नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और मेरे वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 जो कि है चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 और नागरिकता से रिलेटेड ये अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 यानी कि अनुच्छेद 7 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी कि उन लोगों के जो है अधिकार भारतीय नागरिकता को लेकर जो लोग जो है पाकिस्तान को जो है माइग्रेट कर गए थे। इसमें है नथिंग विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5-6 अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, यानी कि वंस अगेन द डे इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान जो कि अब पाकिस्तान है वहां अगर माइग्रेट कर गए तो उनकी जो है भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। इसमें आगे और लिखा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट फॉर अ रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ एंड एवरी सच पर्सन शैल फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द 19th July of 1948। दोस्तों इसमें आगे ये भी कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए और वहीं सेटल हो गए तो वो तो भारत के नागरिक नहीं रहे। इसके अलावा अगर जो है एक और इम्पोर्टेंट डेट है जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, 19 जुलाई 1948 को जो है ये लोग जो है वापस आ गए हिंदुस्तान में और इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हमें पाकिस्तान नहीं रहना है, हमें हिंदुस्तान में ही परमानेंट सेटलमेंट करना है और उन्होंने जो है जो परमानेंट डोमिसाइल जो है उन्होंने डिसाइड किया कि यार हम परमानेंट डोमिसाइल के बेसिस पर उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जो हिंदुस्तान में ही रहना है, हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है। और उन्होंने इस बाबत जो है जो भारत सरकार द्वारा जो अपॉइंटेड ऑफिसर था उसके सामने एप्लीकेशन इस बाबत दे दी कि वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते हैं। और जैसा कि आर्टिकल 6 में ये स्पेसिफाई किया गया था कि ये एप्लीकेशन जो है 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, इसका मतलब सारी की सारी जो है ये अहर्ताएं और ये रेक्विजिट्स वो बंदा पूरा करना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं आर्टिकल 8 जो बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टन पर्सन्स ऑफ इंडिया इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। दोस्तों ये बात करता है क्या बात करता है इस पर रीड कर लेते हैं। Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any other country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on application made by him, therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution in the form or a manner prescribed by the government of the Dominion of India or the Government of India। दोस्तों आर्टिकल 8 बात करता है कि जो लोग जब भारत ने हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट किया तो उस टाइम पे कुछ लोग भारत से बाहर भी रह रहे थे और वो भारत के नागरिक थे, अगर वो भारत के नागरिक रहना चाहते थे तो इस बाबत उन्होंने जो है काउंसलर को या जो डिप्लोमेट को जिस देश में वो रहते थे इस बाबत उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि वो भारतीय नागरिक बने रहना चाहते हैं। और इसमें भी ये कंडीशन थी जो कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में थी कि या तो वो हिंदुस्तान में बॉर्न होने चाहिए या उनके पिताजी या फिर उनके दादाजी, और इसको वाइस वर्सा भी आप देख सकते हैं जब बात करती है फीमेल एंसेस्टर्स की जब बात करती है। तो दोस्तों ये थे आर्टिकल 7 और 8 जो कि बात करते हैं भारतीय नागरिकता के बारे में, उन लोगों के बारे में जो लोग पाकिस्तान चले गए और वहां पे जाने के बाद भी वहीं के नागरिक हो गए। दूसरा वो लोग जब पाकिस्तान कुछ लोग जब पाकिस्तान से आए और उन्होंने जो है
आर्टिकल 6 में जो लिखा हुआ है उन बंदों को यानी कि उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा किया, इसके साथ साथ जो लोग विदेशों में रह रहे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें, बेल आइकन भी हिट करें जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के बाकी वीडियोस भी आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।